गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स आई एम गोइंग टू टीच यू फोर्स फोर्ट इज फोर्स एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स ठीक है दिस इज द रिविजन पार्ट बट आई हैव टेकन इट ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेज वे आर ओनली टू और थ्री स्टूडेंट्स फॉर प्रेजेंट सो आई विल टेक इट अगेन एनी पुश और पुल इज कॉल फोर्स फोर्स क्या कहते हैं किसी को धक्का देना है किसी चीज़ को अपनी ओर खींचना अपनी तरफ खींचना उसको हम फोर्स कहेंगे स्टेट क्या होता है पोजिशन ठीक है स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है जब कोई चीज़ रुकी हुई हो तो स्टेट ऑफ रेस्ट में होगी और जब कोई चीज़ चल रही हो कॉन्टिन्यूसली कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसको हम स्टेट ऑफ मोशन में कहेंगे ठीक है सम थिंग अराउंड सम थिंग्स अराउंड फॉर एग्जाम्पल डेस्क और पार कार स्टेशनरी ये डेस्क ए टेबल दिस इज अ स्टेशनरी एंड अ कार If it इस पार्क somewhere, अगर वो कार रुकी हुई है कहीं पार्क की गई है तो वो स्टेशनरी होगी स्टेशनरी का मतलब रुकी हुई अपने आप नहीं चल रही है दे आर सेट टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट स्टेशनरी होगी तो उसका स्टेट क्या होगा स्टेट ऑफ रेस्ट रुका हुआ स्टेट होगा पोजिशन क्या होगी रुकी हुई व्हीकल्स जैसे रोड पर घूम रही हैं तो उनका स्टेट क्या होगा मोशन में होगी वो चलने वाले मोशन में होगी अ बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन कैन नॉट चेंज ऑन इट्स ओन अपने आप कुछ भी नहीं होता है तो अपने आप कोई भी बॉडी जो होगी वो अपना मोशन नहीं चेंज कर पाएगी उसके लिए एक फ़ोर्स लगेगा फॉर एग्जाम्पल आ चेयर डज नॉट मूव अनलेस यू पुश और इट एक चेयर या एक टेबल जब तक मैं इसको खिसकाऊंगी नहीं ये मूव नहीं करेगा आई एम अप्लाइंग प्रेशर देखो मैं प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ तभी ये टेबल मूव कर रही है जब तक हम कोई प्रेशर या फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज़ मूव नहीं करेगी ठीक है और किसी भी चलती हुई चीज़ को रोकने के लिए जैसे कोई साइकिल का टायर है वो घूम रहा है, उसको रोकने के लिए हमें वैसे ही फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो रुक जाए ठीक है इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या है फोर्स कैसे कैसे हो सकते हैं क्या क्या चीज़ें कॉज करती हैं फोर्स को हम ये पढ़ेंगे अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन फोर्स जो होती है स्टेट ऑफ रेस्ट भी चेंज कर, कर सकती है और किसी बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज कर सकती है अस स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हम इफेक्ट्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे ये बहुत सारी हेडिंग्स में दिया हुआ है सबसे पहले हम ये देखिए आपको इंटरेस्टिंग लगा हुआ ये टॉय ट्रेन है टॉय ट्रेन का इंजन है इंजन को हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ठीक है तो ये इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में चीज़ मूव करती है द डायरेक्शन इन विच यू आर अप्लाइंग द फोर्स द बॉडी इज गोइंग टू मूव इन द सेम डायरेक्शन मैं पेंसिल को इस डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ तो क्या पेंसिल इस डायरेक्शन में जा रही है नो द प्लेस व डायरेक्शन विच आई एम अपलाइंग द फोर्स द बॉडी विल मूव इन द सेम डायरेक्शन ये बुक है इसको हम आगे की तरफ कर रहे हैं इसके हम आगे तरफ मूव करें तो आगे की तरफ जाएगी ना पीछे की तरफ तो नहीं आएगी तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी अब बॉडी एट रेस्ट में स्टार्ट मूविंग वेन अ फोर्स इज ऑन इट किसी कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पोजिशन में वो मूव करना शुरू कर देगी जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा यू सी दिस हैपनिंग वैन यू पुश अ चेयर और यू पुल आ ओपन अ ड्रॉर अगर आप एक ड्रॉर को खोल रहे हैं तो भी आप ये सब चीज़ों को नोटिस कर सकते हैं वैन वी अप्लाई फोर्स और बॉडी इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जिस भी डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे उस डायरेक्शन में बॉडी वो चीज़ बॉडी को हम इंसान की बॉडी नहीं और भी चीज़ें किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी मैटर को हम यहाँ पे बॉडी की तरह सिग्निफाई करें अ चाइल्ड इज पुशिंग अ टॉय इंजन टू द लेफ्ट टॉय इंजन को बॉय जो है लेफ्ट में पुश कर रहा है तो लेफ्ट में जाएगी इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन जहाँ पे फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में टॉय इंजन जा रही है इन डायग्राम वी हैव शोन दिस थ्रू एन एरो द एरो हैज डायरेक्शन टू द फोर्स इसी फोर्स में डायरेक्शन लग रहा है इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है लेफ्ट में ही टॉय इंजन जाएगी फोर्स कैन इंक्रीज स्पीड कोई भी चीज जो अब देखिए पंखा हिलाते हैं, हम लाइट चली जाती है तो क्या होता है ज़्यादा फोर्स से हिलाएंगे तो ज़्यादा हवा लगेगी ठीक है फोर्स से स्पीड इंक्रीज करती है ठीक है द स्पीड ऑफ बॉडी इंक्रीजर वेन आर फोर्स एक्स ऑन डायरेक्शन तेज से साइकिल का पैडल अगर आप मारेगा तो साइकिल की स्पीड तेज हो जाएगी ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम रियल लाइफ में करते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्विंग ऑन ए फ्रेंड पुशियज द स्विंग इन द डायरेक्शन विच इट इज मूविंग अगर हमारा फ्रेंड उस हम स्विंग झूले पर बैठे हैं और वो तेज तेज पीछे से धक्का मार है उसी डायरेक्शन में धक्का मारा है जिस डायरेक्शन में झूला घूम रहा है तो क्या होगा झूला तेज़ हो जाएगा और हम लोग तेज़ी से झूलने लगेंगे ठीक है साइकिल का मैंने बताया अगर बिन पूछे यू फ्रॉम बिहाइंड अगर आप साइकिल चार पीछे से हवा धक्का दे रही तो क्या हो गया आपकी स्पीड इनक्रीज हो जाएगी इफ़ यू किक अबॉल द डायरेक्शन इन विच इट इज़ रोलिंग बॉल जो है जिस डायरेक्शन में रोल करी जिस डायरेक्शन में घूम रही है उसी डायरेक्शन में उस पर किक मारेंगे तो क्या होगा वो स्पीड से घूमने लगेगी Force can decrease speed. If a body is moving in a particular direction and you apply a force on its on its opposite direction, the speed of the body will increase. If the body अगर कोई बॉडी घूम रही है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में घूम रही है हम उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा देंगे तो क्या होगा उसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा लेकिन अगर हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ऑन अ स्विंग अगर आप एक झूले पे हैं एंड योर फ्रेंड्स पुल इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन हम आगे के बजाय पीछे के बजाय बच्चा जो होता है झूला झूला है तो हम पीछे से धक्का लगाते हैं लेकिन हम क्या करें पीछे के बजाय आगे से धक्का लगाएं तो क्या होगा झूला जो होगा वो धीमा हो जाएगा वो हो सकता है रुक भी जाए आपको फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ जाए वी ऑफन अप्लाई फ़ोर्स टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी चलती हुई चीज़ आप लोग मैरी गो राउंड झूलते हैं स्कूल में तो बहुत तेज चल रहा होता है तो बहुत तेज फोर्स अगर उसको रोकना है तो आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ता है फील्डर्स एंड गोल कीपर्स आर एग्जाम्पल अप्लाई फ़ोर्स टू स्टॉप द बॉल ब्रेक्स पुश अगेंस्ट व्हील टू स्टॉप मोशन मोशन ब्रेक्स लगाते हैं चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए तो उसमें बहुत फोर्स लगता है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन सम टाइम अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ मोशन मूविंग बॉडी चेंज इज डायरेक्शन ऑफ मोशन कभी कभी क्या होता है आपने आपने कोई बॉल ऊपर देखे बॉल ऊपर आई तो बच्चे ने इस पर फोर्स लगाया तो बॉल वापस नीचे चली गई द फोर्स एजेक्टेड बाय द हैंड चेंज इज द डायरेक्शन मोशन ऊपर मोशन में आ रही थी लेकिन जैसे ही फोर्स लगा तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया ठीक है When a ball bounces back from the floor and you hit it with your hand, the force you apply changes the direction of its motion from upward to downward. ऊपर आती हुई ball upward motion में थी force लगा वो downward motion में चली गई You go through this video and it is very interesting chapter. Trust me and very easy also. एक बार समझ में आ गया तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे इसको ठीक है And in the next lecture I'll be taking contact forces, friction क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कारंटिक फ्रिक्शन क्या होता है ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे ठीक है क्लास प्रिपेयर फॉर योर मैथ्स टेस्ट विच इज गोइंग टू बी ऑन मंडे ऑल द बेस्ट